नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं हूं आपके साथ विवेक निराला। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है दिल की बात। जी हां, इस वक्त मौजूद हैं हम राघव क्लासेस के इस कैंपस में और मैं आपको बताऊं कि इस तमाम छात्रों के बीच हमारे साथ मौजूद हैं राघव सर। जी हां, राघव सर एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और युवाओं के मेंटोर और आइडियल के रूप में जाने जाते हैं। तो देर किस बात की, दिल की बात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रूबरू होते हैं राघव सर के साथ। राघव सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। राघव सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप दर्शकों को पहले संक्षिप्त अपना परिचय दें। अभी तो हम विद्यार्थी के बीच ही है तो परिचय के रूप में ये बता रहे हैं कि मेरे क्लासेस की शुरुआत बड़ा एक एक्सीडेंटियल वे में हुआ, जिसमें एक कुछ ऐसी घटना घट गई कि घर गए थे, पटना में पढ़ाई करते थे और घर गए थे पिताजी से पैसा लेने के लिए, और कुछ दिन से समझ में आ रहा था पैसे का इसका स्थिति होता था, पिताजी कि कुछ समस्याएं थी जो समय पर वो पैसा नहीं भेज पाते थे। तो घर जाने के बाद कुछ ऐसा लगा और उसमें जाना था सीपीओ का इंटरव्यू देने के लिए, और उस समय जब घर गए तो एक घटना घटी जिसका कि हमने गलत सेंस समझ लिया कि दलान पर बहुत सारे लोग थे और उन लोगों के बीच पिताजी बड़ा गुस्से में बोले कि केवल रिटर्न निकालता है, इंटरव्यू एक तो निकालिए नहीं पाता है, जाएगा फिर दिल्ली, फिर हमको हजारों खर्च होगा। तो इससे मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि कितना तो रिटर्न भी पास नहीं करता है, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी पैसे के लिए इतना सुनना पड़ता है। बस उसी कड़ी में हम घर से भाग गए और भागे तो अपने रेलवे स्टेशन पर भी ना जाकर एक दूसरे रेलवे स्टेशन पर पैदल ही चलते रह गए। ऐसा इसलिए किए कि लगा के रेलवे स्टेशन पर तो लोग खोजने जाएंगे और हम मिल जाएंगे तो फिर बेमतलब का बात हो जाएगा, और बिना पैसे का ही वहां से फिर ट्रेन नहीं था उस टाइम में, तो एक ट्रैक्टर के पीछे लटक करके एक रोड पर। सर, आपने शिक्षा के रूप में यात्रा कब शुरू की और किस विजन के साथ आप यहां पहुंचे हैं, आपका विजन टू रियलिटी क्या है, आप ये क्लियर करें। हाँ, तो बता रहे हैं उसी कड़ी में कि वहां से फिर किसी प्रकार हम पटना पहुंच पाए और उसी समय हमने डिसाइड किया कि अब हमको काम करना है, और उसी काम के कड़ी में पहले एक छोटे से कोचिंग में मात्र 10 रुपये प्रति क्लास में हम पढ़ाना शुरू किए थे, और उसके बाद एक किताब लिखने के क्रम में मुसल्लीपुर में एक मैगजीन के लिए हम लिखना शुरू किए। वहीं एक आदमी से मुलाकात हुई जो हमको एक उस टाइम में चला करता था कोचिंग, बड़ा नामी कोचिंग हुआ करता था, वहां पर हमको ले गए कि आप यहाँ पर पढ़ाइए, तो हम तो खोज ही रहे थे ऐसा, बस वहां पर पढ़ाना शुरू किए, तो वहां कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। अब वहां पर पुनः शायद 5-6 महीना पढ़ाए होंगे तो एक डेजी नाम की लड़की, वो जो फैशन डिजाइनिंग के लिए और आर्किटेक्टरी के लिए पढ़ने के लिए वहां आती थी, वो बोली सर मैं केवल रीजनिंग पढ़ने के लिए कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, हमको सिर्फ रीजनिंग पढ़ना है, तो आप हमको समय दें और केवल रीजनिंग पढ़ें। तो उसी डेजी को पढ़ाने के क्रम में हम रूम पर उसको रीजनिंग पढ़ाना शुरू किया। बड़ा रोचक घटना वो भी है, अभी तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उतना विस्तार से बताना मुश्किल है, लेकिन वो बड़ा संघर्ष करके उसको पढ़ा पाए क्योंकि उसमें कई तरह का अड़चने आया कि अब लड़की है तो लड़की घर पर पढ़ने के लिए आएगी तो वो पता लगा रहा है कि पता नहीं ये शादीशुदा आदमी है कि ऐसे ही कोई है, इस तरह का भी लोगों ने मामला क्रिएट किया था। अंततः ये हुआ कि सब कुछ लोग समझे और हम वहीं से पढ़ाना शुरू किए। फिर उसके साथ जिस मकान में रहते थे वो प्रतिबंध लगाए हुए था कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो उस मकान मालिक के बेटे को पढ़ाए कि वो पढ़ेगा तो इस बहाने ट्यूशन पढ़ाने का अवसर मिलेगा,
तो वो भी 6 ही महीना पढ़ाए और जॉब के लिए पहले से ट्राई कर रहा था, जब पढ़ने लगा तो क्वालिफाई कर गया, तो क्वालिफाई कर गया तो उस खुशी में फिर हमको ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो अलाउ किया और वहीं से ये यात्रा चलती है। तो पटना में किस ईस्वी के आपने उद्घाटन किया और कब से? 6 जनवरी 1993 जी। आप तो मुख्य रूप से आपका विजन क्या है सर छात्रों के प्रति? हम आज भी इस बात को लेकर के छात्रों ही नहीं बल्कि जो भी लोग हमको सुने, हम इस बात को स्पष्ट बताना चाहते हैं कि बराबर हो सकता है कभी क्लास में बोले भी होंगे, हम अपने कविता के लाइन के माध्यम से बोलते हैं, संयम नियम धैर्य और धर्म, संयम नियम धैर्य और धर्म, इनसे बंधे हों तेरे कर्म, यही तो है जीने का मर्म, मर्म समझकर जीना सीखो यारो जीवन जीना सीखो। राघव सर, पटना में शिक्षा का स्तर गिरता भी जा रहा है और शिक्षा व्यापार का रूप ले रही है, आखिर जिम्मेवार कौन, आखिर शिक्षा में ऐसा धूमिल क्यों? सही क्वेश्चन है। एक ऐसा ही क्वेश्चन कभी हुआ था कि विद्यार्थी का गिरता स्तर जिम्मेवार कौन, और लोगों ने उसमें काफी चर्चा करना शुरू किया कि विद्यार्थी को एकेडमिक एजुकेशन सही नहीं मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया सही से नहीं जाता है, ऐसी बातें होती रहती है। लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा का स्तर जो गिरता है वो हम लोग के वजह से ही गिरता है, टीचर ही जिम्मेदार है। अगर टीचर उपयुक्त मिलेंगे तो स्टूडेंट कितना भी बहका हुआ क्यों नहीं रहे वो जरूर ट्रैक पर आएगा। शिक्षा का कोई भी स्तर गिरता है, शिक्षा ही नहीं समाज का भी स्तर जो गिर रहा है, तो जो लोग क्वालिटी वाले नहीं होते हैं, जो लोग शिक्षक कैसे होने चाहिए ये जानते तक नहीं है, वो जानकार होते हैं, शिक्षक नहीं होते हैं, विषय के जानकार होते हैं और व्यापार करने के लिए पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट को इस बात का सर्वेक्षण करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि कहां सही शिक्षा मिल सकता है। तो स्टूडेंट का पता लगाने के प्रति कमजोरी, ये जिम्मेदारी है, और टीचर का गुणवान ना होना यही जिम्मेदारी। तो कहीं ना कहीं बनता है कि सही शिक्षा का चयन करें तो जिम्मेवार कौन। बहरहाल हम सर की तरफ फिर आएंगे लेकिन हम छात्रों की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो सैकड़ों हैं यहाँ पे, और हम बात करते हैं आपके अनुसार कैसा शिक्षक होना चाहिए और क्या देखते हैं आप राघव सर को किस रूप में? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका न्यूज प्लस ट्वेंटी फोर का। मैं पटना में लगभग 4 साल से आया हूँ लेकिन अभी तक ऐसा टीचर मुझे मिला नहीं है जैसे राघव सर है। मुझे लगता है ऐसा कि पूरे भारतवर्ष में राघव सर जैसे टीचर नहीं होंगे, और यहाँ के पढ़ाई के मामले में इतना सटीक है और बेहतर है। सर तो हमेशा तर्क की बात करते हैं तो आपको बोरिंग नहीं लगता? नहीं, तर्क भी एक चीज है, कोई चीज के बारे में आप तर्क देखें उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, गलत है सही है उसका तर्क देखें आप पता लगा सकते हैं। आपके अनुसार क्या शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध होनी चाहिए? दिल की बात है, आज दिल से बोले आप। थैंक यू। कैमरा की तरफ देखकर बोले आप। थैंक यू आपका जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर यहाँ जो है पूरे दिल से मेहनत से तैयारी करवाते हैं, ना कि कोई प्रेशर। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम निकी राज हुआ। कहाँ से हैं जी? मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। किसी की तैयारी कर रहे हैं आप जी? मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, और यहाँ जो सर तैयारी करवाते हैं अदर जगह मुझे लगता नहीं सर इस तरह तैयारी होता है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, कुछ छात्राएं हैं इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ और बताएं आप क्या लगता है कि यहाँ बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, शिक्षा व्यापार का रूप ले रही है, कौन जिम्मेवार है? सबसे पहले तो हम न्यूज प्लस 24 का थैंक यू कहना चाहूंगी, और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी कि शिक्षा का स्तर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ इस वजह से है कि टीचर लोग बहुत सारा जी बिल्कुल हाँ कहीं ना कहीं शिक्षा व्यापार का रूप धारण कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर किस शिक्षक की तरफ हम रुख करें। बहरहाल हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? क्या लगता है पटना में जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ लाखों की भीड़ है, क्या सब छात्र सफल हो जाते हैं? जी नहीं, यहाँ पे पूरे छात्र सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर जो अपना कंटिन्यू मेहनत करते रहें
और जैसे डायरेक्शन राघव सर दे रहे हैं वैसे करते रहे तो शायद मुझे लगता है। आखिरकार राघव सर का आप चयन क्यों किए? राघव सर डेली प्रैक्टिस डेली लर्निंग पेपर उसके प्रति एक्टिव हमेशा रहते हैं कि जो विद्यार्थी को कैसा क्वालिटी दिया जाए ताकि वो अपने अपने लाइफ में सक्सेस बन जाए। जी हाँ, सफलता के उन्होंने ये बात बोली कि राघव सर लॉजिकल हैं। अगर हाँ हम लोगों से बात करते हैं तो क्या कहना है? क्वेश्चन ये है कि आप राघव सर को किस रूप में देखते हैं? एक मोटिवेटर के रूप में, क्योंकि वो क्लासेस चलाते हैं और मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को अपने मोटिवेशन के रूप में। चलिए हम राघव सर की तरफ रुख करते हैं। इन्होंने बोला मोटिवेशन। सर एक बात बताएं, आप क्लास में पढ़ाने के दरमियान हमेशा छात्रों को मोटिवेट करते रहते हैं, तो क्या लगता है छात्रों का ये मोटिवेशन कहाँ तक कारगर हुआ है अभी तक? जैसा कि स्टूडेंट बताया कि मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं कभी कि हम मोटिवेट करते हैं। हमारा नेचुरल वे है, हम अपने कभी जीवन से संबंधित बातों को बता देते हैं, मेहनत करने के लिए इसको बराबर प्रेरित करते हैं कि मेहनत करो। और हमको लगता है कि हम इसका काम नहीं कर रहे हैं, हमको हमेशा लगता है कि मेरा काम है, ये तो बच्चा है बेचारा, इसको क्या है, इस उम्र में तो ऐसा ही रहता है लोग, अब इसको हम पढ़ाएंगे नहीं, इस पर जोर नहीं डालेंगे, इसको टेस्ट पेपर यहाँ नहीं देंगे तो दे देंगे कि बना कर आना, तो नहीं बना करके आएगा, इसलिए हम यहीं पे बनवाते हैं। और चूंकि आदत लगवा देते हैं तो आदत होता है, तो इस वजह से ये दूसरा विषय भी उतना ही मेहनत से बनाता है, ऐसी को ये लोग मोटिवेशन भी समझता है, तो इसके लिए धन्यवाद का पात्र मेरा विद्यार्थी है। चलिए हम छात्रों की तरफ जाते हैं। आप ये मुझे बताएं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं? ब्लड रिलेशन सर से पढ़ते हैं? यस सर। तो क्या लगता है आपके अनुसार एक ब्लड रिलेशन जो सर पढ़ाते हैं, क्या एक व्यवहारिक जीवन में इस रिलेशन का महत्व है? ब्लड रिलेशन दो महीना से हम रोक करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि शिक्षा और यहाँ पे हम राघव सर के क्लासेस में पहुंच गए थे और यहाँ दिल की बात में ये प्रोग्राम चल रहा है और दिल की बात में हम लोगों से बात करते हैं। आपका क्या कहना है? आप रीजनिंग पढ़ने के लिए यहाँ पे आई हैं, क्या नाम हुआ, क्या उद्देश्य है आपका? यहाँ पे मतलब कि हमेशा सर अपडेट करते रहते हैं, आज कंपटीशन है उसके लिए मोटिवेटर के रूप में। मोटिवेशन आपके लिए मोटिवेशन क्या है? तेज आवाज में जोर से। मोटिवेशन का मतलब है कि मतलब बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनको सही दिशा दिखाना चाहिए, वो कभी गलत रास्ते पर ना जाए। और सर हर समय इस चीज को मतलब ध्यान में रखते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और हर बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको 2 घंटा कंटिन्यू मोटिवेट किया जाए तो क्या आप बोर नहीं फील करेंगे? नहीं, ऐसा मतलब ये नहीं है कि हर समय बच्चे को मोटिवेट ही करना चाहिए, लेकिन हाँ पढ़ाई के समय कभी कभी भी मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। यानी पढ़ाई के समय। चलिए आप क्या बनना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? तो आप यहाँ रीजनिंग की है, आपके अनुसार सबसे व्यवहारिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिलेशन का क्या महत्व है? ऐसे तो शिक्षक और छात्रों के बीच अनुनासिक संबंध माना जाता है, लेकिन ब्लड रिलेशन को आप क्या रूप में देखते हैं जैसे आप रीजनिंग में सर पढ़ाते हैं? ब्लड रिलेशन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लड रिलेशन के थ्रू हम अपने परिवार से किसी से भी जुड़ते हैं, जहाँ तक टीचर की बात है तो उसे ब्लड रिलेशन से जुड़ते हैं, वो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जिसके थ्रू हम उससे जुड़ जाते हैं। जी हाँ, और लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और भी छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको? फ्रॉम खगड़िया, हम सारे स्टूडेंट की ओर से थैंक यू कहना चाहेंगे कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं बोल सकूँ। मैं इस क्लास में पढ़ने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये क्लास में की सबसे बड़ी खूबी है कि सर टाइम टाइम पे पढ़ाई भी करते हैं और हम लोग इधर उधर ना भागे इसके लिए कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। आपका जीवन में उद्देश्य क्या है? मेरा जीवन में उद्देश्य है कि मैं कुछ अच्छा करूं। क्या शिक्षा का सिर्फ स्तर जॉब पाना है? नहीं, शिक्षा का सिर्फ स्तर जॉब पाना ही नहीं,
हमको समाज में अच्छे तरह से हम जी सके, ताकि जीने का तो वो सभी आदमी जी दे, ताकि हम अच्छे से जी सके, अच्छे एजुकेटेड होके जीने से हम सारे मतलब अपने परिवार को ही नहीं बाकी सबको भी देख सकते हैं। जी हाँ, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, कहा जाता है कि एक ऐसा हथियार है जिससे हम संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। सर, शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो शिक्षा वाली बात होती है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, मतलब लोग वर्णन के रूप में समझते हैं इसे, लेकिन कैसी शिक्षा होनी चाहिए हम लोगों की, आखिर आज के युवाओं को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या लगता है आपको? शिक्षा तो सिर्फ हम किताब के थ्रू ही पढ़ते हैं, वही शिक्षा नहीं होता है, बल्कि हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि हमको बचपन का याद है कि हम दादाजी के साथ एक बगीचे में घूम रहे थे, तो आम का मंजर, वो छोटे पेड़ का मंजर तोड़कर फेंक रहे थे और बड़े पेड़ के मंजर को वो मेडिसिन का छिड़काव कर रहा था। तो जब हम पूछे, वो सेवन से भी नीचे का एज होगा संभवतः, तो देखो वहां पर वो दादाजी एजुकेट कैसे करते हैं हमको, कि वो बताते हैं कि देखो बेटा, इसका मंजर इसलिए तोड़ रहे हैं कि अभी ये पेड़ उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि ये फल दे सके। तो इससे लेसन हम लोगों को लाइफ में मिलता है कि हम पहले अपने आप को मैच्योर करें और तब हम परिणाम देने की तरफ आगे बढ़े, ये भी एक एजुकेशन है। तो एजुकेशन नॉट ओनली थ्रू द बुक और थ्रू द क्लासेस, बट ऑल्सो एजुकेशन हमारा बाकी सारी चीजों के साथ। सर, तो ये मैच्योरिटी आखिर आएगी कैसे? मैच्योरिटी के लिए गाइडेंस आवश्यक है, माता पिता को। गाइड कौन करेगा सर, जिसके अभिभावक अशिक्षित हैं तो वो कैसे गाइड करेंगे? हम तो अभी बताए आपको कि अभिभावक, जैसे हमारे दादाजी वो एजुकेटेड नहीं थे, वो किताबी तौर पर एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन वो एक पेड़ के माध्यम से हमको एजुकेट कर रहे हैं। एक माताएं, हमको एग्जाम्पल याद है, ऐसा देखे हैं समाज कि एक माता बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो क्या करती है कि अपने बच्चों को रोज किताब लेकर के स्कूल से आए, बच्चों को किताब लेकर के बैठा दी, अब बोली कि पढ़ो, जहां दिक्कत होगा ना हम बताएं, जबकि वो जब बिल्कुल नहीं पढ़ना जानती है, लेकिन वो जानती है पढ़ाई का महत्व कि बच्चा को पढ़ना चाहिए, तो वो बैठा देती है, और जब कोई दिक्कत होता है, मम्मी ये बताओ, बेचारी वो जानती तो है नहीं, वो तो बिल्कुल मूर्ख, साइन भी करना नहीं जानती है, तो बोलती है बेटा अच्छा ऐसा करो ना, इसके आगे वाला पढ़ो और एक साथ सारा दिक्कत को एक साथ बता देंगे, मम्मी ये नहीं बोल रही कि हम नहीं पढ़े। और उसके बाद फिर बच्चा पूछता है कि यहाँ फिर प्रॉब्लम हुआ, तो अच्छा ठीक है अगला पेज में पढ़ो ना, फिर ये बता देंगे, और अंत में बोलती है कि कल जाओगे तो स्कूल में मास्टर साहब से ये सब पूछ लेगा, तो समझिए वो तो बिना एजुकेटेड हुए ही एजुकेट कर। चलिए हम सीधे अब रुक करते हैं छात्रों के बीच, शिक्षा 21वीं सदी का हमारा यह भारत, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम एटसेट्रा तमाम चीजों में व्यस्त है, क्या लगता है शिक्षा सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप तक ही सीमित है? बोलिए क्या लगता है शिक्षा को आप 21वीं सदी का जो हमारा भारत है और तमाम युवा है जो है सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ रहे हैं, तो इसे शिक्षा के रूप में आप कैसे जोड़ते हैं, दिल की बात में या आप दिल से बोल रहे हैं? शिक्षा एक अच्छा चीज जो कि हम लोग सोशल मीडिया आया और फेसबुक व्हाट्सएप ये सब हम लोग की बहुत गलत बात है, सोशल मीडिया उतने ही कैसे बोल सकते हैं गलत बात है, आज तमाम लोग इससे कनेक्टेड हैं, एप्लीकेशन का मीडिया में ऐसा आते हैं, मैं खुद यूज करता हूँ, यूज करते हैं, छात्रों के स्टूडेंट के लिए उतना ही नहीं जरूरत है कि जितना उस पर बिजी रह सकते हैं, टाइम शिक्षा को उतना ही टाइम दे जितना टाइम का लिमिटेशन होनी चाहिए। चलिए आपको क्या बोलना है, पटना का शिक्षा का असर क्या है? सोशल मीडिया का नेगेटिव नहीं बोल सकते, बहुत सारा पॉजिटिव चीज है, अभी पॉजिटिव लेने की कोशिश करें। अच्छा टीचर, आपके अनुसार कैसा शिक्षक होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं गया जिला से अक्षय कुमार, मैं पटना में शिक्षा के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचर एक व्यापार के रूप में स्टूडेंट लोग को बस मोटिवेट नहीं करकर वो बस अपना व्यापार कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट लोग को अच्छा टीचर चूज करना चाहिए खुद के बाद। आखिर अच्छा टीचर कौन चूज करेगा? मैं परवेज अहमद डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी, कैमरा की तरफ देखिए बोलिए। मैं परवेज अहमद डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ,
और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे बेस्ट स्टूडेंट की तरफ से न्यूज प्लस पॉइंट 247 न्यूज प्लस ट्वेंटी फोर। मेरा सीधा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप राघव सर को किस रूप में देखना चाहते हैं? राघव सर को हम इस रूप में देखना चाह रहे हैं कि ये सर है ना जो हमारे लाइफ को बहुत अच्छे तरफ से अचीव करते हैं और स्टूडेंट के हर कमी को देखते हैं और कोई गलती उसको नजरअंदाज नहीं करते हैं। पढ़ाते वक्त हर चीज की एक्टिविटी से लेकर पढ़ाई के बच्चे को किस तरह पढ़ाना चाहिए, किस तरह बढ़ाना चाहिए, हर चीज देखते हैं। और दूसरा बात यह रह गई है कि बच्चों को मतलब अच्छा टीचर चूज करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहरहाल हम बात कर रहे हैं दिल की बात और हम मौजूद हैं राघव क्लासेस के इस कैंपस में और यहाँ तमाम छात्रों के बीच राघव सर हैं। और मैं आपको बताऊं कि तमाम छात्र वर्ग का विभिन्न विभिन्न प्रकार का एक अपना बोलने का तरीका है, समझने का तरीका। चलिए हम इनके तरफ रुख करते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से है, क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो है शिक्षक जो यहाँ पर पटना में जो खास करके पटना में जो एजुकेशन का एक बिजनेस नाम है, ठीक है, पटना के जो जितने भी सारे स्कूल आते हैं सब बिजनेस का। आप एजुकेशन लेकर क्या करेंगे? जी हम कुछ समाज की कुछ करना चाहते हैं जो अच्छा होगा, जो बहुत सारे पैसे की समाज का सेवा कर पाएंगे, इसीलिए मतलब पढ़ रहे हैं। यानी उद्देश्य आपका कहें कि बिजनेस या जॉब करना है? नहीं, देखिए बिजनेस जॉब करना सही है, ठीक है, जो मेन है कि हमको जी इतना चीज़ दिए हैं, इतना आगे आके समाज को दिए, तो हम मेरा भी दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। इनका कहना है कि समाज के लिए हम कुछ करें, लेकिन एक बात है, आखिर समाज सेवा हो कैसे? सबसे बड़ा सवाल, समाज सेवा क्या बिना पैसे से संभव है? कहा जाता है मनी इज नॉट एवरीथिंग, वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, तो पैसा खुदा से भी कम नहीं है। हम और लोगों की तरफ रुख करते हैं। आप हाथ ऐसे उठाएं, ठीक है, जिसको हम चाहते हैं सब लोग कम्युनिकेट कीजिए। 26 हम बात कर रहे हैं दिल की बात। जी हाँ, ये खास प्रोग्राम राघव क्लासेस के इस कैंपस में हो रही है, यहाँ तमाम छात्र मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, न्यूज 24 आपसे पूछ रही है सवाल, क्या बिहार का एजुकेशन का स्तर गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिम्मेवार के लिए मानते हैं आप? सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, न्यूज चैनल वाले को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिहार का स्तर जो है गिरा हुआ है, इसलिए विद्यार्थी की वजह से भी और कुछ टीचर की वजह से भी। विद्यार्थी लगन से अपना पढ़ाई नहीं करते हैं, जो सर बताते हैं अच्छी तरह से घर पर नहीं बनाते हैं, रूम पे नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे क्लास आपको क्या बोलना है? सर हम ये कहना चाह रहे हैं बिहार का स्तर इसलिए गिर गया कि हमारा हम लोग जैसे हम सिला मेरा सूरज कुमार और यहाँ से आते हैं घर से नौकरी के उद्देश्य, हमारे यहाँ पढ़े हैं बस हमको नौकरी चाहिए, नौकरी, लेकिन नौकरी के बिना जीविका कैसे चलेगी? हम और लोगों से बात करते हैं। चलिए आपका जानते हैं कि बिहार में जो है शिक्षा का एजुकेशन बहुत नीचे गिर गया है, इसमें सरकार और मतलब आम जनता भी है। जिससे पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जब कोई भी टीचर था उनको एग्जाम लेके क्वालिफिकेशन किया जाता था, अभी क्या है बीएड डीएड कर लिया वो एग्जाम में किसी तरह से अपना जॉब करवा के जाता है और स्कूल को सही ढंग से नहीं पढ़वाते हैं। और हम जनता ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे पूछ रहे हैं, क्या एजुकेशन का स्तर क्या रहा? एजुकेशन का स्तर बिहार में बहुत नीचे गिर रहा है। और आप एजुकेशन का स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते हैं? हम मतलब सही बच्चे को मोटिवेट मतलब क्या मोटिवेशन से ही एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा? राघव सर जैसे टीचर का चयन करना चाहिए स्टूडेंट को। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, क्या बोलना है आपको? हम बोलना चाहेंगे कि शिक्षा का स्तर यहाँ पे इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे अनएक्सपीरियंस टीचर है जो कि कम पैसों में स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वो हमारी ओर आए, लेकिन स्टूडेंट भी कम पैसे के चलते वो आपसे आपसे कुछ हटकर सवाल ये कि शिक्षक और छात्रों के बीच की दूरी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। लोग जिस प्रकार से पहले के छात्र शिक्षक को पूछते थे, लेकिन अब के छात्र लोग हैं कि शिक्षक को एक अलग तरीके से देखते हैं, आपको क्या लगता है? कारण यह है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट की भावनाओं को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं और उनका और उनके साथ अपना मतलब व्यवहार प्रकट नहीं कर पाते, जिससे और वे अपनी व्यवहार प्रकट नहीं कर पाते हैं, ये इनकी राय है। बहरहाल कहीं कहीं अगर
शिक्षा का स्तर गिर रहा है या एजुकेशन के और मुद्दों की बात करें तो तमाम लोगों का तमाम तरह का अभिप्राय होगा और उस बात का और कौन बोलना चाह रहे हैं? सर जैसा कि आप बोल रहे हैं शिक्षा का स्तर बिहार में गिरा रहा है, सर आप कैसे ही बात बोल सकते हैं? आपका शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर शिक्षा का उद्देश्य सर मेरा जॉब लेना नहीं, सर समाज में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है सर, जिससे माँ बाप गर्व महसूस कर सके। पॉकेट में पैसे हैं? जी नहीं सर, पॉकेट में मेरे पास पैसे नहीं, सर बेरोजगार है सर। मेरा बेरोजगारी क्या लगता है? कहा जाता है भूखे पेट भजन नहीं हुई गोपाल, क्या आप भूखे पेट भजन करोगे? क्या इससे करप्शन बढ़ेगा? सर ये जो बात बोले सर मेरे शायरी भी बोल, मेरे सर भी बोलते हैं सर, तो सर भूखे पेट नहीं रहने के लिए सर मेरे माँ बाप ने सर यहाँ पर भेजे हैं, बेटा तुम जाके कुछ अच्छा करो। तो आप माँ बाप ही बटन देते रहेंगे कि आप खड़े होकर माँ बाप का खड़े होने के लिए सर यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए सर, यानी शिक्षा का उद्देश्य है कि यहाँ पर जॉब करना, जॉब करना कुछ अच्छा। आप कहीं तो और लोगों से बात कर उससे पहले मैं राघव सर के लिए बोलूँगा शिक्षित में तालिका तो कम ही है, क्योंकि सर का जो प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा चेंजिंग जो आते रहता है वो सबसे बेहतर तरीका से राघव सर समझते हैं और समय समय पर जो परिवर्तन होना चाहिए उचित काफी ज्यादा इनमें दिखाई पड़ता है। बड़ी बात है समय के साथ परिवर्तन। सर हम एक बात है सर, छात्रों का शिक्षा के प्रति विभिन्न तरह का ओपिनियन है, लोग एक बात बताए जीवन में अनुशासन और शिक्षा में किस प्रकार से आप अनुशासन करते हैं? देखो ये काफी चर्चा में रहने वाला प्रश्न रहता है कि अनुशासन डिसिप्लिन को तर्क से कैसे हम जोड़ करके देखें, और जैसा कि एक सवाल का हम उत्तर दे देते हैं जो एक विद्यार्थी कहना चाहता था कि ऐसा कैसे कह सकते हैं शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो उसका वो हम उसके मन की भाव को विद्यार्थी को लगे नहीं कि हमारा बात इनकम्प्लीट रही है। एक्चुअली वो यहाँ पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ता है तो हर चीज को बेहतर सीखता है, तो इससे उसको फील होता है कि हम तो सब सीख ही रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिर का रहा है। तो ऐसा कई बार होता है क्वेश्चन समझ ना पाने की वजह से जो यहाँ न्यूज प्लस 24 के द्वारा पूछा जा रहा है, तो इन लोगों ने पूरे भारतवर्ष में सर्वे किए हैं और उस स्तर पर ऐसे बहुत सारे शिक्षक इनको मिले हैं जहां की ये देखे हैं कि लोग पढ़ाने में सिर्फ किस तरह से पैसा आ जाए इतना पर ही ध्यान देते हैं, और हमको लगता है इससे किसी भी लोगों को मतांतर नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग भी हैं समाज में, अच्छे लोग हैं, और ईश्वर करे कि सब लोगों को अच्छे लोगों से मुलाकात होता रहे, तो वहां तो शिक्षा का स्तर बनता ही जाएगा। हमारे तो राघव क्लासेस का स्लोगन ही है फ्री फ्रॉम एजुकेशनल पॉल्यूशन, तो लोग अगर एजुकेशनल पॉल्यूट होकर पॉल्यूशन को रिमूव करके काम करेंगे तो स्वाभाविक शिक्षा का स्तर बिल्कुल नहीं गिरेगा। लेकिन ये बात सत्य है जो बिहार का परसेंटेज पहले काफी ज्यादा हुआ करता था पूरे भारतवर्ष में क्वालिफाई करने का जो रेशियो था वो आज के डेट में थोड़ा डैमेज हुआ है, इसलिए इनका सवाल था। शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं और जो हमारा प्रोग्राम है दिल की बात, यहाँ दिल से बोल रहे हैं, और मैं सबसे बड़ी बात की अगर आप आहत होते हैं तो मैं माफी चाहता हूँ, और लोगों की तरफ से हम कोशिश करते हैं बात करने का। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से है? मैं सर के बारे में यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे टीचर के पास मैं पढ़ी हूँ बट सर में जो है वो हम कभी नहीं देखे। सर में ये है कि सर आप सर के हटकर बोले एजुकेशन आपके अनुसार शिक्षा क्या है? मेरे अनुसार शिक्षा ये है कि हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसे हम लोग ये जैसे कि बहुत सा जो है सो ये ऑफिसर है जो कि करप्टेड है, वो करप्शन और वो करप्शन लेता है, बट हम ऐसे नहीं बनना चाहते, हम लोग को कैसे बनना ही नहीं चाहिए। जी
इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि शिक्षा कहीं न कहीं करप्शन के भेंट चढ़ रही है। सर की तरफ हम रुख करना चाहेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज की शिक्षा करप्शन के भेंट चढ़ रही है। आप कुछ दिन पहले की खबर न्यूज प्लस 24 ही ये खबर की थी, मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग था, इस टाइप से पता नहीं कितने सारे मुद्दे हैं। तो सर आखिर कब तक छात्रों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा, क्या लगता है सर इसका क्या रास्ता होना चाहिए? हम तो इस बात को महसूस भी करते हैं और अपने बच्चों के बीच इस बात को बराबर रखते भी हैं। हमको हमेशा इस बात का आभास होता है, हम अनुभव करते हैं कि समाज में जितनी भी कमियां हैं उन कमियों का एक वजह हम सब लोग शिक्षक ही हैं। कि अगर हमारे अंदर ही घर के अंदर ऐसा वातावरण बना दिए कि हम थोड़े लालच में कुछ पैसों के लिए अपने जीवन को करप्शन जो है, जो करप्शन करने वाले भी हैं वो बस एक हैबिचुएट हो जाते हैं, पैसा के प्रति ग्रीडी हो जाते हैं। जबकि जीवन में क्या चाहिए, सोने के लिए तो 6 फट का पलंग चाहिए और खाने के लिए दाल रोटी चाहिए, जीवन का में तो इतना सही काम चल जाता है। लेकिन आदत हो जाता है तो एक आईएएस स्तर का लोग जिसको कि सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन एक बस हैबिट हो जाने की वजह से वो ज्यादा गरीब ज्यादा लोग की वजह से वो अपने काम को सही तरीके से परिणाम ईमानदारी से नहीं दे पाते हैं और इस तरह का करप्शन करते रहते हैं। और इसके पीछे भी शिक्षा व्यवस्था ही दोषी है। अगर हम टीचर उन्नत गुणवत्ता वाले होंगे और हम ये जिम्मेदारी लेंगे कि हम कमियों को झेलने का साहस करें और अपने विद्यार्थी को भी सीमित संसाधन में जीने का तरीका सिखाएं तो निश्चित रूप से करप्शन में कमी आएगी। चलिए हम छात्रों की तरफ रुख करते हैं। सबसे बड़ी बात कि शिक्षा जो मतलब कहा जाता है आज की शिक्षा सिर्फ व्यापार का रूप ले रही है, तो क्या सैद्धांतिक शिक्षा संभव रहेगा? हल्ला नहीं करेगा। अब आप हम और लोगों से बात करते हैं, यहाँ कुछ छात्र लोग हैं जो बात करने से घबरा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल की बात, जिसमें दिल की बात खुल की बात करने की बात कर रहे हैं, और शिक्षा जो आज शिक्षा का स्तर कैसे बदले, कस के बोले आप जोर से बोले। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बड़ा है शिक्षा का स्तर मतलब नीचे गिर रहा है, शिक्षा का स्तर नीचे नहीं गिर रहा है। जब तक स्टूडेंट अपना सक्सेस चीज नहीं करेगा, सर यहाँ पे पढ़ा देते हैं, फॉर्म बताते हैं, सबसे बताते हैं, टेस्ट देते हैं, सर हमेशा कुछ न कुछ नया करने का हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे अभी ESPM का सर क्या है मतलब क्वेश्चन बनाता है, काम करके बातें हैं, लोगों से बात करते हुए प्रोग्राम को खत्म करना चाहेंगे। बहरहाल हम और लोग तरफ रोक करते हैं जो बोलना चाहते हैं शिक्षा से हाथ खड़े करें और जरूर बोले। न्यूज प्लस 24 आपको देख रही है, आप पे नजर रख रही है, क्या बोलना चाहेंगे आप? न्यूज प्लस 24 को मैं स्वागत करता हूँ, मुझे बोलने की मौका मिली। मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमें आने वाले कल का भविष्य है और हम ही लोग सब कुछ बनेंगे, शिक्षा डॉक्टर सब, और हम ही लोग के कारण करप्शन बढ़ता है। इसलिए मैं तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि अभी से सुधार करें, करप्शन ना लें, और ना ही मतलब कोई गरीब बच्चा उन्हें फ्री पढ़ाएं। या तो फिर आप छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे करप्शन को लेकर? मेरा नाम नीतीश निराला हुआ, आरा जिला का रहने वाला हूँ। शिक्षा तो आदमी करता है, मेहनत तो करता है, लेकिन मन से नहीं करता है, मेहनत ईमानदारी से नहीं कर पाता है। हम इसी पर एक शायरी बोलता हूँ, मेहनत करने वाला को वही मिलता है, कोशिश करने वाला छोड़ जाते हैं। और एक शायरी भी बोल देता हूँ, शिक्षा ऐसी हथियार है जो जिसके भाग्य में मिल सकता है। शिक्षा और बात में हम और लोगों से बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं? शिक्षा यही करना चाहते हैं कि आप जॉब उसके बाद आप कर्म करना दीजिए और अपना आप शिक्षा में बेहतर की सबसे पहले यानी आप जो शिक्षा आप अच्छी करना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था, सबसे पहले आप जॉब लीजिए, आप जॉब लेके आप करप्शन नहीं की। क्या शिक्षा में भटकाव हो रहा है? नहीं, सब
आप अपने समुदाय के अपने बारे में कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए क्या लग रहा है आधुनिक शिक्षा में बदलाव है कैसे आधुनिक शिक्षा सिर्फ व्यापार का केंद्र बन गई है आप राघव सर को अपने को मतलब छात्र शिक्षा का और खुद का क्या महत्व है स्टूडेंट और राघव सर के बीच जो संबंध है बहुत ही अच्छा संबंध है। हम बात कर रहे हैं दिल की बात। यहाँ पे तमाम छात्र हैं, सभी लोगों ने अपना अपना ओपिनियन रखा। तो न्यूज प्लस 24 पर आप बने रहें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का अपडेट आपको मिलता रहे। बहरहाल राघव क्लास के कैंपस में मैं आपको बताऊं कि तमाम छात्रों ने भिन्न तरीके से दिल की बात में अपना खुलकर ओपिनियन रखा। तो आज के पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। नमस्कार।